हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और यार, आज मैं सुबह ही सुबह निकल गया हूँ राइड पे, और आज कुछ अलग सी जगह पे जा रहा हूँ। वो सर्किट हाउस बहुत जा चुका, आज कुछ अलग सी जगह की भी राइड है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा शीत पड़ रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है हर जगह आपको सिर्फ फॉग ही फॉग नज़र आएगा। और ये रहा एक मस्त सा पुल, नीचे है नदी, और सोलो राइड, सिंगल बंदा सोलो राइड, ना कोई मेरे पीछे है, ना कोई आगे चल रहा है, ना कोई पीछे बैठा है, सोलो राइड है। और आज तो मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि बहुत समय बाद सुबह में निकले हैं राइड पे। आप लोग फॉग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है कि आगे का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इधर का तो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, पर आप लोग देख ही सकते हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रहा है। तो गाइस, माहौल ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को, थोड़ा बहुत जो दिख रहा है देख लीजिए कि ये कैसा सीन है। मैं बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये कैसा सीन है। पूरा बहुत ही भयानक फॉग पड़ रहा है गाइस, दूर से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, जैसा लग रहा है आगे कुछ है ही नहीं। और ये जो रोड है, इस पे बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, कोई अगल बगल बैरियर नहीं है अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। और ऐसा फॉग है कि आप अगर, और इस पे शार्प कट्स भी हैं, और अगर आप नहीं उसको कट मतलब मोड़ पाएँ तो आप नीचे जा सकते हैं, और नीचे आपको अच्छी खासी लग सकती है, क्योंकि ये अच्छी खासी ऊंचाई पे रोड है। देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फॉग पड़ रहा है यार आज, और मैं आज सोलो राइड भी निकल चुका हूँ। अब थोड़ा सा खींचते हैं, मज़ा आ गया भाई। कट्स पे लीन करने का अलग ही मज़ा है। ये रोड समझ लीजिए एक रेसिंग ट्रैक हो सकता है, बस अगर साइड में बैरियर लग जाए तो। और अभी तो शार्प कट नहीं है, आगे से शार्प कट स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे तो कॉर्नरिंग करने में मज़ा ही आ जाएगा। और जैसा कि गाइस एक ये रहा बहुत ही शार्प कट है, अगर आप अच्छे से नहीं मोड़ पाए तो आप तो गए। पर यार एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस जो कि मेरे पास है। और यार आगे तो और भयानक है, आप देख सकते हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मैं तो थोड़ा पीछे नज़र आ रहा था, मैं भगा लिया, पर यहाँ तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ से शार्प कट स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा आराम से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कट भी शार्प है और आगे रोड पे कुछ नज़र आ नहीं रहा है। और अगर मैंने कट नहीं मोड़ पाया तो फिर नीचे टाटा बाय बाय हो जाएगा। पर यार सुबह की राइड का मज़ा ही कुछ अलग है। जैसा कि गाइस अभी मेरे साथ हादसा हो सकता था, क्योंकि मैं ओवर स्पीड में कट नहीं मोड़ पाया, उसका अंदाज़ा नहीं मुझे लग पाया। गाइस मैं सोच रहा था कि 0 to 100 चेक कर लूं बाइक का, पर यार ऐसे कोहरे में तो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग है और इसमें कोई भी जानवर या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी गाड़ी आ सकती है सामने, तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। तो कोई नहीं, राइड एंजॉय करते हैं। और यार आज सिटी से बहुत दूर आ चुके हैं,
यार ऐसी राइड करने में मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि कोई था भी नहीं और मैं कंफर्म कहता हूँ, मैं इतने सुबह सुबह किसी को फ़ोन करता कि भाई चल राइड पे चलते हैं तो सबका ना होता, और कितने लोग तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, सोए पड़े होते हैं। तो मैंने किसी का भी झंझट नहीं पाला, ना फ़ोन करने का ना कुछ, मैंने अपने ड्राइवर को उठाया और निकल गया राइड पे। और मज़े तो आ ही रहे हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता कि मज़े नहीं आ रहे, मज़े तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ पर अपना ग्रुप होता तो और मज़ा आता, लेकिन सिंगल ही मज़े तो आ ही रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग डेविल को, बहुत ही मस्त लग रहा है डेविल। थोड़ा गंदा हो चुका है, बारिश हुआ था, थोड़ा गंदा है, इसको वॉश करवा लूँगा। अरे मुझे तो बहुत पसंद है अपना डेविल, और यहाँ का आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नहीं है, बस एक कार आ रही है, कार है कि बस है मुझे नहीं पता, मिनी बस है। और इधर का आप लोग व्यू देख सकते हैं कैसा है, कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, क्या देखेंगे, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा सिर्फ फॉग ही फॉग है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं राइड अपनी। तो गाइस वहाँ से निकल चुके हैं और मज़े तो बहुत आ रहे हैं राइड के, और थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार, तो लगेगा ही। व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए सी यू, बाय 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 बाय।